और आज सत्यवाला श्री कावर याद यहाँ हुई है। सत्यवाला का मुख्य प्रसारण किए थे महाराणा मोहम्मद करीम खुशी साहब गुलत सिरा मुजफ्फरनगर का एक गाँव है जो शाह हजीउल्लाह मस्जिद तहजी अलैहिर्रहमा का पैदायशी मकाम और गवर्नर है। उसी गुलत से सत्यवाला का ताल्लुक है और वहाँ सत्यवाला के वालिद कबीलदार किसान हैं। बर्मा में तकरीर की थी और वहाँ के मुसलमानों को एक आगाह किया था कि अगर आज आपने दीन की दावत का काम इस मुल्क में नहीं किया तो इस मुल्क में तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये तकरीर आज भी नेट पर भी मौजूद है, इसकी किताब से भी छप चुकी है। और इसी दर्द को मोहम्मद करीम सिद्दीकी साहब लिए फिरते हैं और इसकी दर्द को जो लालगढ़ का बात है उस मकसद का है जो हजरत वाला को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। वही दर्द है जो हजरत वाला को चैन से बैठने नहीं देता और पूरी दुनिया में नहीं कर रहा है कि इसी तरह इस उम्मत अपने पर्दे मकसदी पर आ जाए और दाई बनकर जिंदगी गुजारने वाली बन जाए। हजरत वाला के इसी दर्द की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हजारों लोगों ने इस अपनी गफलत से तौबा करके दावत दीन को अपना मंडला बनाने का काम शुरू किया है और उनके जरिए कई हजारों लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं। मैं बबर और दादा हायर भरे मैं दोबारा से अक्सर दरख्वास्त करता हूँ कि अपने मन को दास जाता है जो कैसा जहाँ
नबी की तरफ मुतवज्जे होता है अल्लाह की तकदीर इजाद अली का रहमतें फैलाई देने लगती है, जैसे कुरान हो रही हो रहमतुल्लाह की, ऐसा लगता है रवायात पढ़ी जाती है खुदसत दुनिया में भेजा गया है, निकाला गया है,
तुम्हें लोगों की भलाई के लिए दुनिया में निकाला है, निकाला गया। अर्थ नाम गलत कुरान में इस्तेमाल होता है, खसूसियत से मुराद गैर ईमान वाले लोग होते हैं। ईमान वालों को ज़िमनन उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि बहरहाल हर नाज तो होती है, एक हजार तकालुम को मुराद नहीं होते। क्या ईमान वालों का किताब होता है? ईमान वालों को या ये अल्लाह की नाम को अल्लाह की नाम को अल्मोमिनीन अल्मोमिनून अलग अलग लाया जाता है। अन्नास कलर इस्तेमाल किया है, जो अन्नास उजल्लिन्नास उखरिजल्लिन्नास, तो आप कुरान के मुराद गैर ईमान वाले लोग होते हैं। और उसी भलाई अपने इंसानियत की भलाई के लिए दुनिया में भेजा है। कौन सी भलाई? आप वाले तो आमरून अबिल मारूफ पता नहा होता है अनिल मुंजा दायरे का पूरी इंसानियत। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, लोगों को बुराई से रोकते हो। तुम लोगों को ईमान का हुक्म देते हो, लोगों को कुफ्र शिर्क से रोकते हो। हमें से हर एक को अल्लाह ताला ने दाईए इस्लाम बनाकर भेजा, हमारा मकसद ताकि हम उस रास्ते पर चलकर अपने मनसब पर पायल होकर अल्लाह के महबूब बन जाए, अल्लाह के प्यारे बन जाए। महबूब काम से जुड़कर महबूबियत अदा करने के अल्लाह ने नवाज नहीं की, अल्लाह को जरूरत नहीं थी अपने दीन के काम के लिए। हम ही करेंगे तो होगा? पत्थरों से जंतरों से मच्छरों से काम लेने तो फाजिल देते आज भी ले रहे, लेकिन हमें नवाजने के लिए के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। ये हमारा काम था, ये हमारा बस्ता था, ये हमारा पेशा था, ये हमारा मशगला। शाहुद्दीन रहमतुल्लाह शाहुद्दीन ने लिखा है अपने मकतूब में कि कुरान मजीद की आयत शरीफा में खैर और मन के हर वक्त का दार, उसका मनसब, उसका होना और उसका पेशा दावत करार दिया है। सबसे मतलब है रिसालत करना, इसके लिए हमने भेजा, इसलिए हमने भेजा। मतलब सोच ये है कि जब शैतान ने, क्योंकि हमारा दुश्मन है शैतान और दावत से तो उसे बिल्कुल बैर है, आमने सामने तो मुश्तरी दुश्मन है हजरत आदम अलैहि सलाम के साथ से शैतान हमारा कर डाई और दावत के मिशन से तो उसकी आमने सामने की बैर है। इसलिए शैतान के पूरे गैंग की कोशिश क्या है? इधर शैतान अलग रूम आगू बोल फर्क अलग रूम आगू हुआ इन हमारे ये तो कोई तो एक रूम में साथ शैतान तुम्हारा कुल्ला कुल्ला दुश्मन है, उसे दुश्मनी समझते रहना, दुश्मनी कहते रहना, दुश्मनी बनाए रखना, ये और इसकी जमात की कोशिश ये है कि तुम्हें दो जमीन बना दे। आगे बताएगा और दाई की कोशिश क्या है? कोई दोजख में ना जाए, सब जन्नत में जाए, यही तो है हमने सब। इसलिए सारी पार्टी सारे भाई में सारे डर सारे कौम इसी में लगाए, दावत सारे हर चीज में डर है। सबसे ज्यादा बड़ी चीज लगाई डर, बहुत मुश्किल काम है ये, तो बहुत नामुमकिन काम है ये, तो खतरे का काम है। आजकल के हालात में नाजागर माहौल है, सारे खतरे हर चीज का मैं काम करता हूँ, खतरा है इंसान की जिंदगी तो खतरे में है, गलत इंसान अभी कबल खाने में खतरा है, खाना खाते में खतरा लग जाता है, मर जाते हैं। हमारे दो अजीत पैसा हुआ, खाना खा रहे थे, दस का लगा, सांस रुक गया, रेफ्रिजरेटर रुक गया, इंतकाल हो गया, एक दूसरे के सांस ही रुक गया, वही मर गए। खाना खाना छोड़ देना चाहिए, खाना पानी पीते हुए कितने लोग मर जाते हैं, और सोते हुए कितने लोग रात को सोए थे? आपके अजीजों ताल्लुक वालों में जरूर कोई दो चार ऐसी मौतें हुई होंगी, रात को सोए
मिलते सुबह को उठाया, सोना ही नहीं चाहिए, सोते सोते मर जाता है। छत गिर के दब के मर गए, चल रहे थे ठोकर लगी तो मर गए, तो चलना भी नहीं चाहिए कि ठोकर लग जाती है। और वो जरा कारों में गाड़ी में कितने एक्सीडेंट होते हैं, रेल में कितने लोग मरते हैं, जहाजों में कितने एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन वहां कोई खतरा नहीं। हमारे यहाँ बाईपास है तो जिक्र किया करता हूँ, तो फटे लगते हैं 12 से 14 किलोमीटर का बाईपास है। अखबार में छपी थी कि 362 दिन में 372 लोग मरे, पूरी करोड़ लिख दिया उन्होंने स्टूडेंट का नाम। लेकिन मुझे कोई अल्लाह का बंदा ऐसा नहीं मिला कि वो दबा दे, तो है शहर में तो आधा घंटा ज्यादा लगे, उसी पर जाते हैं और एक्सीलेटर वे दबा के निकलते हैं, कोई नहीं उस पर डरता। वहां उस खतरे से अलग है, खुले आपको जिगरा रोक पा रहे पुलिस दावत की राह में, आज तक सुना कोई भी मरा हो दावत की वजह से, कुछ क्या होगा। आप देखिए कैसे सुनते हैं वो, बिल्कुल हमारे साथी अक्सर जिक्र किया करते हैं कि भाई इसको जो है करता हूँ रोशन, अक्सर जिक्र भी करते हैं हमारे कि भाई इसको अपने मौत का कुआ बना दिया है, इतना डर ये समझते हैं। मौत का कुआ होता है ना, इसकी बिल्कुल मौत नाम क्या रखा है, मौत का कुआ। तो मौत के कुएं में क्या लगता है, मौत से ही मौतें भर रही होगी, बस बस जो जाएगा उसी को मौत आ जाएगी, ये तो लगता है मौत के कुएं। फिर देखा होगा आप ऐसे यहाँ को भी आते होंगे, सुना तो होगा क्या होता है मौत का कुआ, अगर देखा भी नहीं होगा। जो कमजोर दिल के होते हैं वो बच्चों को भेज देते हैं, तुम चले जाओ टिकट लेके, हमें तो डर लगता है, कई बार कोई मोटरसाइकिल से गिरेगा वो देखेंगे ये होगा मौत आएगी, तो ये कैसे लगता है। जब उनके अंदर गाड़ी में मोटरसाइकिल चलानी शुरू करता है वो ठीक मारता है तो दिल धड़कन करने लगता है, अब देखो तो मौत के बिल्कुल ही करीब आ गया है। और जब वो ऊपर को चलता है और डरता है, जब वो घूमता है और डरता है, लेकिन जो मोटरसाइकिल चलाने वाला हो वो डरता है। हमारे यहाँ कई नौजवान एक मारुति 2 मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो हाथ भी छोड़ता है, बीड़ी भी पीता है, पानी भी पीता है, नौकरी भी देखता है, कुछ करता भी दिखाता है हाथ छोड़ के। अगर उसे डर लगता है, उसे पता ये होता है कि मौत है तो ये कर सकता, चलाने वाला नहीं डरता, ये सब देखने वाले डरते हैं। हमने बाहर आपने सुना है तक कभी किसी मौत के कुएं मौत आई हो, ये हमने इसका मौत का कुआ बना दिया था। और ये खतरे, खतरों से बचाने के लिए आए, खतरों से बचाने के लिए, खतरों से। कुरान ने कहा الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا। जो तौहीद रिसालत का काम अंजाम देते हैं वो अल्लाह ही से डरा करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से डरा नहीं करते, अल्लाह का निगेबान। ये नहीं कहा कि दाइयों तुम अल्लाह से डरो, ये तो हर पूरी दुनिया के उससे मुतालबा है, पूरी इंसानियत से अल्लाह के मुझसे डरो। दावत का पिछली नतीजा ये है, सफीर क्योंकि पैगंबर जिसका है, इसका पैगाम लेकर जाया करता है, सफीर की शान बादशाह की शान होती है। फितरी तौर पर ऐसा मत कर, गलतियां करता हूँ। पीएम ऑफिस में गए थे किसी काम से, वहां से पी एस सेक्रेटरी ने कहा कि तुम वहां जा रहे हो, वहां जो एसडीएम साहब है उनके नाम खत लेते जाओ, उस पर पीएम ऑफिस की बोर्ड लगी हुई है, हाथ में हाथ यह है, आप पीएम को आते नहीं डालेंगे, देखता नहीं मेरा हाथ में किसका खत है, कितना फॉलो करेगा उसकी शेरी हो जाएगी। पीएम के बाद चला रहा था, और आदमी का सफीर हो उसका पैगाम ला रहा हो कितनी शान पड़ जाएगी कितनी तौर पर। अब सूरत यह है कि करे कोई डरो कोई ये सूरत आराम तौर पर बहुत खतरनाक नामुश्किल काम, मुश्किल काम है। जैसा समझते हैदराबाद जाना हुआ मेरा गोवा आवाज, हैदराबाद जाना हुआ और मुश्किल पड़ेगी, कितना मुसीबत आपको वजूद अजीमों से सरकारों से इनसे उनसे कितना सामना करना पड़ता होगा, अब इसे उनके छोटे छोटे बच्चे रस्सी पर ऐसे चलते हैं और सर में करते हैं, हम सोचते हैं हमारे सब उनका खानदानी काम है, इतना मुश्किल काम है वो उसे तो कुछ मुश्किल है ही नहीं, सबसे पहला फरीदा है, सबसे आसान। जब वो
बाटा इस पर इत्तला है कि तुम पर पर सबसे पहले आए होने वाला फरिश्ता दावत है। अल्लाह के नबी फरमाए अल-दीनुल युसरन, और ये दीन हकीकत है, दीन आसान और दीन फितरत का फितरी होने, फितरत होने का तकाजा ये है कि जो सबसे पहले फरिश्ता आयत के लिए है वो सबसे आसान है। सारे दीन के काम के सबसे आसान होंगे, ये भी तो फितरी तरीका होगा, सबसे मुश्किल सबसे पहले डाल दिया जाए। मैंने कहा हजरत हमें सिर्फ लोग शोर मचा रहे हैं, नौ कर रहे हैं, इसलिए हमने हमें करना चाहिए था जो उनका एहतराम कर रहे हैं। हमारे मोहब्बत करने वाले हमदर्द और मुश्किल उससे ताकियत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ भी हम कर सकते हैं तो हाथ से क्या शिकार हो गए आपसे। मैं जब कम से कम अच्छे तसल्ली की जमात कह रहे ऐसा लगता है, हर जगह जाते तो ये पूछते ये तो नहीं होता वो नहीं होता, आपकी बात नहीं है। आपके
तो मेरे लिए चार लोगों को भेज दीजिए जरा वहाँ पर, उनको वहाँ हमारे अफसर से लेकर मिलाएंगे। मैंने कहा चार हमारी दायित्व है मुंबई, और मैंने कहा काम चले जाते हैं। अल्लाह के शुक्र है वो रात पाए, उन्होंने बताया कि वो अफसर भी और तीन लोग जो जीते की सही मशरत थे वो सबने करना पड़ा, और सबने कहा कि बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हमें भी शामिल कीजिए, और ये हमारा पुनर्वास है। कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, कोई आपकी शिकायत करे, कुछ करे, फौरन हमें फोन कर दे। गरीब पर चलते चारों के चारों लोगों ने चलना पड़ा, और फिर कहा कि आगे कैसे होगा, कोई प्रोग्राम होगा तो हमें मोदी से कह रहे मेरे ताल्लुकात हैं, फला से ताल्लुकात हैं, और यहाँ आते हैं, और ये हुआ हुआ ये कह रहे थे वो फला की दावत छोड़ कर ही खौफ आए, दावत का काम करके ही मत आए। ये कोई खतरे का काम है, ये खतरे से बचने का काम है। खुद ये मुल्क हमारा इतना प्यारा मुल्क है, मेरे बुजुर्गों जैसा आइए हमारे बुजुर्गों ने की मेहनत जद्दोजहद, पाकिस्तान बनने के बाद जिन बुजुर्गों ने बनने के बावजूद इस मुल्क में रहना पसंद किया और इस मुल्क के साथ शामिल रहे और उन्हें ऐसा आदमी बनाया है, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक ने इतनी अपने दीन पर अमल करने की आजादी नहीं किसी इस्लामी मुल्क में जितनी हमारे मुल्क में पाई। और ये मतलब ये तो बुनियादी चीज दुनिया के कानून के मुताबिक है, आर्टिकल 25 है अपराध की कानून की, और फिर जरूरी है आर्टिकल 25 है कानून, 50 दफा आईन की ऐसी है जो बुनियादी हुकूक समझे जाते हैं फंडामेंटल है। अगर यहाँ की पार्लियामेंट क्यों में से किसी एक दफा को निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते, अल्लाह ने कानून दोबारा बनाया है। और मैं 25वीं दफा आर्टिकल 25 उसके तहत किसी भी मुल्क के शहरी को कोई भी मजहब कबूल करने का और उसको मानने का और उसकी दावत देने का बुनियादी हक है। शर्त यह है कि अपने आप में मुतासिर ना हो, लाने तो दिया जाए और दिया जाए बल्कि उनकी शर्त बुनियादी कानून है, इससे रोकना जरूर है। अगर आप रोकेंगे इससे तो रोकना जरूर, करना देना दावत देना जरूर नहीं है तो रोकना जरूर है। ऐसा कानून ऐसा हो गया हमारा पूरी दुनिया में यही जा रहे हैं के कानून के मुताबिक हर सेकुलर मुल्क में उस शहरी को यहाँ हासिल होता है। कानून तो है ही लीगल है, बिल्कुल लीगल रोकेंगे तो। हमारे यहाँ अलीगढ़ में माइक लगती है, हमारे साथियों ने डीएम से कहा कि हमें इस कार चाहिए स्नान करावट के लिए, डीएम साहब बेचारे बड़े अच्छे विधायक थे, उन्होंने फ्री उन्हें पुलिस स्नान पोषण के लिए अच्छे कामों के लिए फ्री में देने की इजाजत दी है, उन्होंने बगैर किराए के स्नान दिए। एक बहुत बड़ा बैनर लगाया कि आपको सत्य की तलाश आइए स्नान को जानिए और किरण क्या कह रहे थे लोग आते थे। दो तारीखों को हमने भेज दिया तो लोग जरा भीड़ आने लगी, दो और बुलाया तो फिर दो और बुलाया फिर दो और बुलाया, दस तक बहन है भीड़ लगे रहे थे क्योंकि अखबार में ऐसे छप गई कि गुजरात धर्मांतर हो रहा है नुमाइश में। विजिलेंस वालों ने आकर देखा, मूल तक देखते रहे, शाम को उन्होंने उन लोगों से कहा कि लोग आते हैं उनके पास, उनका हक है अपने दिन को बताना, अब इसको रोकना ही नहीं कर रहे, अगर आपका कम है तो आप अपने स्टार लगाइए। सारे खतरे और सारी मुश्किलें और सारे वायदे दावत के लिए, दावत सारे मसाइल का की खौफ और दहशत दिखाने के लिए अल्लाह ने बनाई, वकफा बिल्लाह हसीबा, अल्लाह का अल्लाह ये वाली करेंगे वादा कर रहे हैं। बोले हम तो कैसे कर दियो पार वाले यहाँ और मकान कहते हम नहीं ने कि जरूर की होता है एक नए इस्लाम को करने वाले का उनका मुल्ला कटकी का वाक्य छुपा है, उड़ीसा का रहने वाला एक ज्यादा देर मुझे रोजगार भी यही चाहिए, हिंदी उर्दू जानते हम यहाँ किसी मदरसे में पढ़ाने में लग जाते क्या करें,
हमारे साथी मौलाना अमीर है, मैंने उनके पास भेज दिया कि आप उसको हिंदी सिखाइए। उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स लगी रहती है, बहुत ज्यादा असर
अल्लाह करे तरीके से निपट जाए, मतलब पुलिस वाले बड़ी जब वो निपटता है तो बहुत राहत की बात है, बहुत राहत। ये अगर कावड़ ना चलते वो होते तो फौरन आ जाता। आप ने गया मैंने जाकर कहा हमारे वाले साहब ने आपके केस में बहुत तरफ थे और कल ही खिदमत किया करते थे हमारे यहाँ के कई हिंदू परिवार को कोई कहते तो हम वहाँ घूमते यहाँ से इतना कदर करते रोजगार भी चाहिए बताइए हमसे अपनी कहो की दही छोड़ दो इसमें रहेंगे तो फिर ऐसे रहने से क्या फायदा हमारे देश के सोचने वालों के लिए अगर इसमें चाहिए होगा कहने लगे सर में बस आप मुझे आधा घंटे होते हैं ये मेरे घर पे आ जाइए घर को या तो ऑफिस में आए मैं चाहता हूँ मैं आपके हाथ में छूटे कर रहा हूँ अगर मैं ये जाता हूँ मैं दो दिन में कावड़ किया ऐसे बुला रहा मैंने कहा कब को कि कल सुबह 9:30 बजे 9:30 बजे जब मैं पहुंचा तो उन्होंने शर्मा को बुला रखा था और अब ये दूसरी ओलेश को आगे लगा कितनी सोचते थे और काम की मदद कैसे की जा सकती है और कितने मार आदमी के साथ तुमने ऐसा किया है ये किया है अब मौलाना साहब तेरी तुम्हारी नौकरी और बैठ जो है मौलाना साहब की तरफ अगर ये चक्को कहते हैं बाहर होगी नौकरी तो ठीक है नहीं बैठ उतार के यहाँ सकता है अब जनाब सुबह में फजर की नमाज पढ़ गया है शर्मा जी अपने जी के साथ थे आते ही पैरों में पड़सा रखी और जेब में से 9,000 रुपए लेकर पैरों में रखी मेरे पैरों में रखी तो दूर माशा कर दी ये शवा कर दी मैंने तो सीधे से लगाया आप मेरे मेहमान हैं या कैसी हमें शर्मिंदा करते हैं लगा तो फिर जो है वो खैर उन्होंने फौरन फूल मिलाया सच क्षमा कर दिया था हम जैसे एसपी साहब को कहते उनके पास ले
हर एक करता है, कोई
उसमें सिपाही से डरता है, कोई कोई कुत्ते से डरता है, कोई सांप से डरता है, कोई चोर डाकू से डरता है, कोई बेइज्जती से डरता है, कोई अल्लाह की नाराजगी और जान का दौलत से डरता है, डरता जरूर है। अल्लाह ताला ने इस बंदे इस नेचर को डर से बयान करके जन्नत की नेमतें जिसमें हर लालच की चीज है वो बनाई, और दोजख का डंडा जिसमें हर डर की चीज है वो बनाई, और उनका नक्शा ईमान वालों के सामने अपने नबियों और किताबों के वास्ते ऐसा आपको देखा दोजख का और जन्नत का फर्क दिया कि आदमी जन्नत के लालच में नेक आमाल को कर ले और दोजख के डर से गुनाहों से बच जाए। इसलिए बड़े बड़े वादे बड़े बड़े करने वालों से भी बढ़ जाते हैं, एक को जो नमाज इंतजार करने वाला
नमाज की इंतजार करने वाले को मकबूल नमाज का स्वभाव मिलता रहेगा, बड़ी बार से स्वभाव मिलेगा, इंतजार में मकबूल का स्वभाव मिलेगा। और एक को जो किसी कार्य चाहे तो दरिया मिल जाए, किसी ने आपको नमाज की आपने नमाज की कोशिश की है, वो नमाज को आ गया दौर में या इशा में, आपको मकबूल इशा की नमाज का स्वभाव मिलेगा। आप जैसे पढ़ेंगे वैसे स्वभाव मिलेगा, जो उतने पढ़ी वैसे पढ़ेगा, लेकिन जो जरिया बनने की वजह से आपके अकाउंट में मकबूल नमाज मिल जाए। एक आदमी ईमान में आया तो उसके मकबूल ईमान का कितने और जिंदगी भर करेगा, 100 साल 50 साल 60 साल की उम्र में जो भी नेकी करेगा, उन सारी नेकियों की मकबूल नेकियों का जवाब, और उसकी नजरों में जितने लोग ईमान में आएंगे सबके ईमान का जवाब, और उसकी नजरों में जो लोग आएंगे जो आमाल करेंगे, एक औलाद में एक औलाद में पांचवा बस्तियां बन जाती है। ये हमारे दादा मुसलमान हुए थे, इनकी औलाद है सारी बस्ती की कह रहे हैं, कमाए ये ज्यादा है कि हम कमाए दूसरे को खिलाए, तो दोस्तों से कहता हूँ काम चोरों के लिए दावत है, निकम्मों के लिए जिनके बस्ती ना हो और दूसरों के लिए शहादत है। लेकिन मौत से डरता है ना आदमी सबसे ज्यादा, तो मौत से बचने का कोई तरीका नहीं, भला तकूल रिमाइंड करो कि नबी अल्लाह या मासिक शहीद बचेगा मौत, और कोई दुनिया में कोई आदमी नहीं जो मौत हजरत ईसा अलैहि सलाम को भी मौत आएगी, ये शहीद बचेगा मौत, इस डर का इलाज शहादत है। जोड़ देता है उसने सोचा मौत आ गई, मुझे खा जाएंगे, रेत के नीचे दब जाऊंगा, दस जाऊंगा, कुछ हो जाऊंगा, बहुत मायूसी की हालत में अचानक से अपना मूड फूट मिल जाए, वो इतना खुश हो, इतना खुश हो कि वो जबान से अल्लाह की शुक्र अदा करे तो जबान कह कुछ रहा है निकल खुशी में जज्बा, तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा बंदा, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा बंदा की बजाय क्या कह रहा है, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा बंदा, ये बंदा खुश होता है उससे ज्यादा खुश होते हैं अल्लाह बंदे से पूरे मित्र बंदे को अल्लाह से जोड़ देता है। इससे बड़ा हदीस से बात में किसी काफिर मुश्रिक के ईमान में आने की है, किसी गैर नमाजी को नमाज में नसीब में लिया है तो हम इससे बिना हमारे मुसाफरमा खुदाई को बढ़ाते हैं, खूब फैलाते हैं ताकि तरतीब ज्यादा हो, असल जाने का हदीस दिलाई देंगे, इससे बड़ा किसी काफिर मुश्रिक को ईमान दावत देकर ईमान में आने इतने और भी बहुत से बताए आसानी पैदा कर, मुश्किल मत बदल कर, अल्लाह के नबी का मामूल था कि फजाइल और वादे तो बहुत सवाब तो बहुत बताया करते थे और सजाए ज्यादा नहीं बताते, ये अल्लाह के देखेंगे आपकी अल्लाह के नबी ने लोगों को
उन्होंने वादा तो किया लेकिन पहुंचाया लेकिन बाकी दुनिया के रईसों और बादशाहों को इस्लाम का पैगाम पहुंचा। बाकी लोगों ने यहाँ से शुरू किया कि लोगों पूरी दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह के रसूल बनाकर भेजा गया हो सारे तौहीद का पैगाम हर घर हर मकसद तक पहुंचा दो और करने के पैगाम से कोई घर कोई इंसान महरूम हो। बाकी सुनने सबक समझ करके याद करके जाइए और सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबरदार तुम्हारी जिंदगी तीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ होनी चाहिए जिन तक नहीं पहुंचा है। खबरदार तुम्हारी जिंदगी तीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए वक्फ होनी चाहिए जिन तक नहीं पहुंचा है। आपने जुमला बहुत ही मौसम सुनिए कि जान लो कि अल्लाह की नजर तुम पर हराम कर दी गई जान लो अल्लाह की जन्नत उन लोगों पर हराम कर दी गई है जो लोग उसके मामलात में लेन देन तो करते हैं मगर उस तक भी नहीं पहुंचा। उसे सौदा लेते हैं उसे अखबार खरीदते हैं उसे दूध देते हैं उसे सब्जी लेते हैं उनके साथ दफ्तरों में काम करते हैं उनको अपने कारोबारों में मुलाजिम करते हैं उनके कारोबारों में मुलाजिम है उसे मामलात करते हैं लेकिन उन तक भी नहीं पहुँचाते। बारह शहादत के दो महीने बाद मुसलमान हमें काफी दूर कह रहे हैं काफी दूर को कहा जाता है हमारे पास क्या पेश किया। आज हम जवाब देते हैं सवाल का क्या कैसे देखेंगे इसलिए सारे मुसाइल का अल्लाह ने महबूबी अल्लाह की महबूबियत मिल जाएगी तो हर जगह मकबूल होगा। जब तक सहाबा अपने मंजिल पर बाहर थे तो महबूबियत मकबूलियत सही आता अल्लाह की हिमायत की वक्त जैसी कदर मंजिल थी अल्लाह ने तेरिंदो परिंदो दरिंदो जमीन पहाड़ नदियों को करना पड़ता था। जमीन में दलदल आया हम तुम पर अल्लाह का जोर जमा माना जमीन क्यों रहती है तो मत तेरे ऊपर मौजूद और रुके अमेरिका में बार बार जाते थे गुरुद्वारा में पता कर लेते थे लोगों ने मशवरा किया था तेरे वक्त था उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने हिमायत हजरत सास से हिमायत छावनी बना कर आओ लोगों से मशवरा किया हम छावनी बनाना चाहते हैं जो पुराने पादरी थे उन्होंने कुछ लोगों को लगाया देखा वो लोग जो आज स्पोर्ट कर रहे थे उस जगह पर उन्होंने शेर बताया ईमान ये महबूबियत किस किस का इंसानियत की गैरराई के लिए उठाते थे हर एक की रोजा से बचाने की ठीक करते थे क्या अल्लाह पर जब हमने उसको बिल्कुल फॉरवर्ड कर दिया हमें भाई ने खतरे ये वो अल्लाह वाला मैं क्या जी हुआ वो नहीं गिनता अल्लाह के डर में लगे उसको भी बात करके रहते हैं अल्लाह के पहले खुद तो समझदार वालों कहते हैं पहले खुद तो समझदार है कभी तो दूसरे को संभालेंगे अल्लाह के नबी फरमाए खैर उल कुरून कारनी तुम लजीन यलूनहुम तुम लजीन यलूनहुम
सबसे बेहतर खेल अजमाना, उसके बाद दोस्त की बात करना, उसके बाद उसकी बात करना, इतना कभी से दूरी होती जाएगी, शर्त बढ़ता जाएगा, खुद तो समझना मुमकिन ही चीज होगी सर। इसके मतलब ये लोग जो दादा में जाएंगे वो जाते रहेंगे, खूब जाते रहो ठीक, हम मुसलमान अपने काम में लगे रहेंगे। ये कहां से निकला? इंसान के अंदर ये खूबी रखी है, इस खैर की दूसरे को दावत देता है और खैर उसके अंदर पैदा होती है, और जिस शहर से दूसरे को रोकता है उस शहर से दूसरे की रोकनी होती है। इंसान के सेवरने का तरीका ही बताया कि दावत पर मुंतक किसकी है। अल्लाह के नबी हमारे लिए मैयार है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहले हम सवर जाए, मालूम कहते हमारे अल्लाह अच्छे हो जाए, जरूरत ही नहीं दावत देने की। अल्लाह के नबी से बड़ा किसी का अल्लाह था, जब समझेंगे, जब पूरे दीन को मानेंगे, और दीन क्या है? कुरान और सुन्नत। कुरान थ्योरी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इसका प्रैक्टिकल है। जब 100% सुन्नत के साथ में ढल जाएगा, नबी की पैरा नहीं चलेगा, तभी तो तहकुर समझेगा। जो अब समझेगा कि कितनी अहमियत आती है दावत को। कुरान करीम ने 6,600 आयात में 1253 सारे अहकाम के बारे में, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विरासत के मसाइल, झूठ की बुराई, जीवन की बुराई, नमाज की बुराई, सारी चीजें 1253 आयात, और 6,113 आयात में गैर ईमान वालों के ईमान की दावा की खबर 1253 आयात की है। नमाज की, रोजे की, हज की, यकीन की, सारी दावतें पहले ही हैं 1253। 6,113 अमल करता है, नमाज की बिल्कुल सही, रोजा भी सही, हज भी सही, वाला भी सही, मामला भी सही, अखलाक भी सही, माइशत भी सही, लेकिन वो रसूलुल्लाह की पैरवी है, दागी अल्लाह बल्कि दागी इस्लाम सही समझा जाता, वो शख्स 1253 आयात पर अमल करना है, 6,113 आयात पर वो यार 8% दीन पर अमल कर रहा है, 92% को छोड़ रहा है, 92% दीन को छोड़ने वाला है कहाँ कुछ समझ जाएगा? कुरान दीन है तो 92% दीन कोई दावत यही सीखिए सीरत बात में, किसी सीरत की किताब को उठाइए, कुरान की कायद पढ़ते जाइए तो आपको पता लगेगा हमारे दीन के तो जब 92% दीन को छोड़कर कैसे समझेंगे बताइए। पूरे कुरान पर और यानी पुरानी सदा में रसूल की सीरत अकाद पर इत्तबा करेंगे तभी तो पूरे समझेंगे। ये सब फायदे शैतान ने डाल रखे हैं जलील, क्योंकि ये उम्मत जब तक दाई थी सर पर जान सभी देने वाली दाई नहीं बनेंगे तो मधु बन जाएंगे, अब मधु बनेगा तो फकीर बना, फकीर को तो वही कर दिल्लत होती है। अगर हमने 26 पुस्तकों में खुद को लिखा है कि उम्मत के तमाम इंफरादी, इज्तमाई, सियासी, तालीमी मसाइल का अल्लाह ताला ने दामन कर रखा है, भाई तमाम है प्यार के वालों से कुरान से और हदीस से वह साबित किए। इमाम मालिक के मशहूर इशारे कि उम्मत के बाद वाले इस्तेराम पर चला के सुनाया बोल सकते हैं, इस पर चलकर पहलों ने फलम पर। अगर हम ये चाहते हैं कि इस्लाम की सिलसिला हो और एक सखी दाई देने वाला इंसानियत का खैर खा नफा पहुंचाने वाला बनाया है, हम उसे छोड़कर फकीर और भिखारी बन गए हैं, अब हमें अपने प्याले को पलट कर फिर उसी सखावत के मनसब पर, दाइयाना मनसब पर आना पड़े। हमारी अजीज का शेर है, आप मजलिस के इख्तिताम में सुनाया करता हूँ, मुझे बड़ा फायदा हुआ, शायद आपको भी फायदा हो। बच्चा कासा उल्टा करके तख्त बनाकर बैठ गए, फकीर का बच्चा था, सोचा कब तक भीख मांगता रहूंगा, दलील होता रहूंगा, अब कुछ नहीं कर सकता तो प्याला पलट दूंगा, अब लूंगा नहीं मैं, अब लेने के लिए क्यों करना पड़ता है, देने के लिए करना पड़ता है। अब जैसे पलटा फौरन प्याला पलट के तब पर गया, बच्चा कासा उल्टा करके तब पला कर बैठ गया, उस तक बार लगा इस घर की किस्मत में सुल्तान। रसलाम की सुल्तानी जाते हैं हमें उसी मनसब पर खड़ा उसी पर खड़ा होना पड़ेगा, ताइया न मनसब पर तो खैर गुरु के साहब मनसब था, तो जिस पर चढ़कर 50 साल में मनसब पर सवार होकर फाइल होकर 50 साल में 60% जमीन पर उन्होंने सवारी खाना होगी उठ।
नौरानी साबित करती वो लोगे अच्छा था अगर चाहते हैं कोई भी जिला सामने इधर जो है मिले और इस जिला की घड़े से लिए लेकिन उसे वाहित तरीका हुई है जड़े पत्ते धोने से काफी चलेगा जड़ में सीखने से चलेगा जड़ ये है कि हमें दाई और सती बनाया था फकीर बनकर जरीब हो रहा है हमें दाई बनेंगे तो हम सती बनेंगे देने वाले हमारी इज्जत क्या अच्छा होगी जिंदा जिंदा की आज आप दीप की दौलत मोहब्बत में आप रहते हैं मैं सुना के चला जाऊँ आप सुन कर चले जाए इसकी बजाय हम मैं भी हल करूँ आप भी हल करें अल्लाह आपने ऐसा फरमा कर सारे हमारे मसाइल के हल के लिए अपने नबूवत का ऐलान कर कर इस सभी मनसब पर बहुत इंतकाम फरमा कर गर्म फरमा कर हमें मौसम मौसम बनाने के लिए इस काम के लिए दुनिया में भेजा है बर्पा किया है रसूलुल्लाह का पैरो अल्लाह बनाकर आपने भलाई करीम पर जो एहसान किया है हम उसकी लाज रखते हुए आज से तय करते हैं कि हम जहाँ रहेंगे 100% दायियाना मनसब के साथ जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह सब को गुजारेंगे आप मंजिल किसी के घर हार नहीं देती रास्तों में चल रहे रास्ते उसको बिल्कुल हिदायत उतनी हुई है ना तो क्यों कर लो इस्लाम की तरफ आ रहे सच्चे नबी का सच्चा है चाहते हर कच्चे अल्पक के घर के अंदर इस्लाम दाखिल होगा ताकि भीड़ लगी हुई है जहां कहीं पता लग जाए कि यहाँ काम होता है देखिए लाइन लगी ऐसा है वो भी हिदायत पूरी हुई है अपने अकाउंट में लेती एक ही हिदायत पर इंश्योरेंस का जमाना है प्यारे भाई इंश्योरेंस मुफ्ती साहब और उनके पास भीड़ लगी जाती है हजरत इस इंश्योरेंस को इजाजत दे दो इस इंश्योरेंस की इजाजत दे दो इजाजत देने वाले थोड़े ही है क्यों जाता है आदमी हादसे से बचना चाहता है हादसा नहीं चाहता है एक्सीडेंट से बचे हादसे से बचे हमें सबसे बड़ा हादसा अगर कोई घर पेश है तो दो सब का हादसा सड़क पे हादसा है इंश्योरेंस चाहिए से दो दस से बचने का और जंगल में जाने का और डिजाइन का अल्लाह के नबी से बड़ा तो जमानती हो सकता है तेरी वजह से एक आदमी को चाहे तेरी निजात के लिए काफी है तेरी जंगलबाजी में एक आदमी हमारे अकाउंट में आया तो इंश्योरेंस हो गया जंगल का जानवर से बचने का इंश्योरेंस के लिए नियत कीजिए कि पहले कदम के तौर पर अल्लाह मैं आपके घर में सबको बकवा बनाकर वादा करता हूँ कि मैं अपने फला भाई या फला बहन को सबसे पहले ईमान की दावत देकर इस्लाम के साए में लाने की कोशिश करूंगा फला तो करीब का है जो भी घर में कोई सब्जी बेचने वाला कोई व्यापार वाला कोई सफाई करने वाला कोई आपके साथ दफ्तर में काम करता हो कोई डॉक्टर हो जिसके आप मरीज हो कोई आपके पार्टनर हो कोई आपके यहाँ सौदा देने आता हो जो सबसे करीब का सबसे पहले उसका हाथ में अल्लाह के यहाँ पकड़ बाकी पकड़ने को बचना है और अपना इंश्योरेंस भी कराना है ठीक है आपने नियत की राय बने पहले कदम की तौर पर नियत दीजिए कि मैं अपने फला मालिक की नियत करता हूँ नियत करेंगे सरपंथी की तरह जैसे नमाज में जाते हैं ना खबर अच्छे की बात बता कि भाई नमाज पढ़ो नमाज भी पढ़ोगे तो अदा होगा पढ़ोगे तो होगा भाई क्या होगा भाई ईमान पर क्या होगा बताकर उन्हें ईमान की तल्खी कर रही है मैं बिल्कुल तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ हमारे साथी जो दावत में जाते हैं जाता है कि किसी खानदानी मुसलमान को तशकील करके 3 दिन के लिए वसूल करना ज्यादा मुश्किल है इसके मुकाबले में किसी काफी मुश्किल की खुशाबत करके उसे चलने की तल्खी करके ईमान देना इस सूरत हाल है तो ऐसी लाना है बस ऐसी कहना है जबरदस्ती दर्द के साथ चरमती के साथ बात कह के ये हमारे बिरादर ने बोला आखिर के मोहब्बत भरी हो गए मेहरबानी और हमदर्दी का एहसास हुआ और आपका हुआ मोहब्बत कैसे आ रहे आप चल पाते हैं भी बताए करते हैं तजर्बे की बुनियाद पर यही बैठकर जी और से नाम लेकर दुआ शुरू कर दी सबसे पहले हिदायत की दुआ करना नाम लेकर ये अल्लाह के नबी की हदीस की सुन्नत है सौ बार शहीद होने का
जब दुआ करके अल्लाह आपको हमदर्दी पैदा हो जाएगी आप हमदर्दी से देखेंगे आप घर में सोचेंगे उनके बारे में तो मधु के दिल में तड़प पैदा होगी इस्लाम जितने जो आपने नियत की है
जब दाइयाना हम सबके साथ दाई बच्चों से एक बनेंगे, मैंने तो सबकी नियंत्रित है, मैं अपने बड़ा भाई या बड़ा बहन की नियंत्रित हूँ, कोशिश करके इलाज भी दे, सबकी इलाज पर कोशिश, सबने किया तो सब हाथ ना लिए, अपने से किया देखे, सब कर लिए, सबने किया ना देख तो, आपने किसको दावत दे दी दोस्तों, क्या नाम रखिए इस्लाम, नाम बदलना जरूरी है, अगर मुझे नाम बदला क्या नाम रखिए इस्लामी नाम कुछ कर देगा ली ये बोलते हैं इसकी नमाज नमाज इस्लाम पूर्ण कर देगा तो नमाज के लिए दिन सिखाने के लिए उसकी तबियत के लिए क्या करेगा सबसे बेहतर भी है 40 दिन की है 30 दिन लेगी नमाज पढ़े जाए कितने दिन की नमाज भेजेंगे उसे 40 दिन की इंशाल्लाह वो अकेले जाते हैं तो घबराएगा साथ में जाएंगे चल हमारे साथी तो नहीं मैं भाई ये लेके जाएंगे दो आदमियों के नाम दिला रहे हैं ये जितने साथी फिर वो जब आ जाएंगे हो सकता है घर छोड़ना पड़े तो वहां ही होता है एक अंसारी की जरूरत है अल्लाह के नबी ने वहां बात आए किसी को भूल गए उसे जिंदा करना जिंदगी भर अंसारी बनकर उसके भाई हदी की भाई की तरह साथ देंगे और इंशाल्लाह आपने किसकी नियत की है उसका नाम क्या रखेंगे इस्लामी कितने दिन की नमाज में भेजेंगे उसे क्या महीने की तो अकेले उसे भेजेंगे आप भी जाएंगे क्या नाम है आपका दिन का नाम भी लिखिए हमारे साथी चार महीने की रात में जब उसके अंसारी भी बनेंगे ना इंशाल्लाह अगर आपने इसकी नियत की है यही रहते हैं वही कह रहे हैं अच्छा ओके कितने वो क्या नाम रखेंगे उसके इस्लामी अब्दुल्ला कितने दिन की नमाज पढ़े जाएंगे चार महीने सबने कर लिए कर लिए अपने इस्लामी नाम की सोच ली सबने सोच लिए अपने अपने नाम फिर कितने दिन की नमाज को लेकर जाएंगे 40 दिन या 4 महीने कम से कम 40 दिन नहीं तो 4 महीने नमाज में लेकर जाएंगे जाएंगे इंशाल्लाह सब फिर उसके बाद उनके अंसारी बने जिंदगी पर अब फिर दोबारा ध्यान उठा लीजिए सब गाली यार सबसे ठीक लगे अपने अपने मुकाम सोच कर के अरे इतने छोटे से बस इतने भी नाम पढ़ता है यार इतने जा रहे हैं तो देखिए तो फूल हो गए तो मसला इंशाल्लाह अभी जल्दी से मैंने देखे तो है यार सब गाले सबके दे गाले सब अभी तो कुछ लोग गए रहे देखो मैं कुछ पढ़ने के बाद वो मैं ऐसे जाऊंगा तो होगी जितना कि सब आनंद देखो मैं इधर ऊपर बाहर से दाना वाला उठाए सब पाए कोई ना उठाए जिन लोगों के आपने इरादे किए 24 घंटे बाकी है यहाँ से निजात के लिए 24 घंटे कुछ ज्यादा है सस्ते है कुछ महंगे एक आदमी मान में आ जाएगा तो निजात का मसला हो जाएगा 24 घंटे छुट्टी लेता है आदमी किसी काम के लिए पूरी कोशिश करता है कल को छुट्टी मिलेगी आज ही किसी काम करना है आज जरा सवेरा उठी है अल्लाह के सामने तहजुद में हेड ऑफिस में अप्रूवल करवाइए इजाजत मंजूर कर दीजिए जाए वहां से मंजूर हो जाएगा फिर काम करना नहीं पड़ता फिर तो मसला है फिर सुबह को उठी उठा होती है जैसे आदमी सोचता है ना मुझे कुछ सामान लेना है यहाँ से निकलेगा तो वहां से मिलूंगा वहां से मिलेगा तो वहां से कुछ कर लेना है कोई काम करना है करेंगे तो कल 24 घंटे यदि 9 बजे में 10 मिनट से पहले पहले बड़ी तादाद इस्लाम में ऐसे हालात तशरीफ कर रहा हूँ मुझे याद थी कि घर जाने से पहले पहले चंद लोगों की नौबत आ गई फिर मैं अब्दुल्लाह के सफर से आ रहा हूँ हर दिन की तशरीफ से एक दो लोगों की खबरें आ गई कि परसों जो हमने नियत की थी आज इस्लाम में आ गए हैं परसों को जमात में जा रहे हैं ऐसा ऐसा हालात इसके बावजूद हमारे अपने पूरे रिश्ते के भाइयों को इसी तरह दूसर की तरफ जाते थे और रोज आकर 24 घंटे में मुझे तो याद था कि 1,00,000 से 1,000,000 सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं अभी हमारे अब्दुल्ला साहब ने बताया कि सारी दुनिया के लोग पढ़ते हैं अभी फैसला हुआ कि हमारा उनका फजिया चल रहा है लेकिन अगर 1,20,000 भी हो गए थे मुसलमान 1,00,000 भेजे 1,15,000 भी रोज आता 24 घंटे में उस आदमी का क्या चल रहा है और हम देखते रहे और हम फिक्र ना करें तो कैसे को पूरा।
اپنے مذہبی شریف کو قبول کر صرف اپنے بڑے کو نظر انداز کر کے ہم آپ کی محبوبیت کی بجائے آپ کے قدر کا شکار ہو گئے اور دنیا میں عظیم ہونے کے بجائے دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے. ہمیں اس دن میں عظیم سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیں. توبہ کے وسیلے ویلے کے طور پر ہمارے بھائیوں کے ارادوں اور باتوں کو قبول فرمائیے. جن لوگوں نے یہ اپنے ارادے وعدے کیے ہیں ان کو اللہ کے ذریعے سنجید کی صرف کوشش کی توفیق نصیب فرمائیے. ان سب کو ہدایت یاب فرمائیے. سب کے لوگوں کو اسلام کے لیے مشرف فرمائیے. کام کرنے کا ایک جذبہ اور حوصلہ نصیب فرمائیے. مولا کریم کے لیے وسائل اور مولا کریم اور قرآن کو جذبہ اور توفیق نصیب فرمائیے. ہم سب کو ہدایت یاب فرمائیے. پھر بھی آدمی قبول فرمائیے. ہدایت قرآن پوری فرمائیے. ہر پریشانی ہر دکھ ہر تکلیف سے تو نجات نصیب فرمائیے. جن لوگوں نے گاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جب کا ہمارے بناتے ہیں اور دلوں میں تمنا رکھتے ہیں ان تمام کی جائے کو پوری فرمائی. ہر گاؤں کو فضل کرم سے پوچھ فرمائی. ہر اور کی عزت سے ہمارے ظہور وسلام اللہ علیہ وسلم. یہ حضرات جیسا کہ بتا بھی رہے تھے کہ مجھے ابھی ممبئی جانا ہے.